नमस्कार, सिटी न्यूज हिंदी बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सिलेंडर के लिए करना होगा हफ्तों इंतजार, जिले भर में वितरण ठप, नहीं मिलेगा सिलेंडर। केंद्र सरकार की 13वीं करने सराफा व्यापारी एसोसिएशन धमकी, जिलाधीश कार्यालय। साड़ी से फांसी लगाकर युवक की आत्महत्या, कुएं में गिरने से व्यक्ति की मौत। और महानगर में अब नहीं लगेगा ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय की जगह अब लगेगा एलबीटी। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। पूरे अमरावती जिले में सिलेंडर का वितरण ठप पड़ जाने से अब हफ्ते भर तक सिलेंडर का वितरण बंद रहने की खबर है। जिला पुरवठा अधिकारी ने पुष्टि कर बताया कि जिलावासियों को आगामी हफ्ते भर तक के लिए सिलेंडर की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सिलेंडर आपूर्ति हफ्ते भर से भी ज्यादा दिन तक बंद रहने का अनुमान है। सिलेंडर के लिक्विड का वहन करने वालों की हड़ताल की वजह से ये किल्लत पैदा हुई है। अमरावती शहर को रोजाना 3000 सिलेंडर लगते हैं, तो पूरे जिले में रोजाना औसतन 5 से 6 हजार सिलेंडरों का वितरण होता है। पर विगत कुछ दिनों से घरगुती सिलेंडर का वितरण होने वाले भारत पेट्रोलियम कंपनी, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों प्रमुख कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट तक लिक्विड गैस का वहन करने वालों ने हड़ताल छेड़ रखी है, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन राज्यों के गैस सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट तक लिक्विड गैस की वैगन पहुंचना बंद हो गया है। इसका असर अब दिखना शुरू हो रहा है और जिले में सिलेंडर वितरण ठप हो गया है। यहाँ सिलेंडर की किल्लत करीब हफ्ता भर सताएगी, क्योंकि शहर में 2 दिन के आपूर्ति का भी स्टॉक नहीं है। हड़ताल कुछ घंटों में पीछे भी ली जा सकती है, तब भी 4 दिन तक सिलेंडर वितरण प्रक्रिया ठप ही रहेगी। ऐसी जानकारी जिला वितरण अधिकारी आर चांदुरकर ने सिटी न्यूज को दी। बाईस पासून ते सुरू आहे, त्यांची मला वाटते चर्चा वगैरे सुरू होती। कालपर्यंत पण ती अजून काही आउटपुट निघाले दिसत नाही। संपूर्ण सर पुरवठा वगैरे इफेक्ट होणार असतं, त्यामुळे जसं आपल्याकडे जे हे आहे कस्टमर, त्यांना जर पुरवठा झाला नाही तर थोडंफार प्रॉब्लेम येऊ शकतो ना। एखाद्या अमरावती शहराला किती सिलेंडर लागते? अमरावती शहराला कारण का आता तो फिगर नाही आहे माझ्या, अंदाजे नाही सांगता ना, कारण तीन कंपनी जी वेगळ्या आहेत ना, आयओसी, बीपीसी, एसबीसी, त्यामुळे असं अंदाजित फिगर नाही आहे। पण नक्की तो आकडे सांगते, मी आपल्याला कन्फर्म करून सांगतो तुम्हाला। म्हणजे जवळपास आपले 1 लाख लोकसंख्येचं शहर आहे, 70,000 कुटुंब वास्तव्यात असतील, महिन्याकाठी 30,000 तरी सिलेंडर लागायला महिन्याकाठी लागत असते। काल आमची मिटिंग झाली, सर्व डीलरला बोलवलं, तुमचे सेल्स ऑफिसर वगैरे आले होते, त्यांना बोलावलं आम्ही आणि प्रेस नोट पण दिली त्या याच्या थोडंसं जनतेने पण सहकार्य करावं, कारण हे आपल्या लेवलचा प्रश्न असतो। कारण का ते कायद्यात तिथून तो बल्क लोड आल्यावर तो इथं तुमच्या धनातला वगैरे जातो रिफिलिंग करता, रिफिलिंग करता वेळ लागतो, एका दिवसात ती रिफिलिंग होत नाही आणि रिफिलिंग झाल्यानंतर असतो। पण आज किंवा उद्या एसटीचा लोड खापरीला येणार होता रेल्वेने, ते असं ते सिन्हा जे आहे त्यांनी कालच्या मिटिंगमध्ये सांगितलं, ते खापरीला येणार आहे, नागपूर खापरीला, तिथून मग ते तो जो आपण अजूनपर्यंत आला नाही आतापर्यंत। म्हणजे रेल्वेने पर्याय व्यवस्था उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो अमरावतीपर्यंत? नाही, एसपीचा तिथे खापरी पण देतो, खापरीपर्यंत व्यवस्था आहे, तिथून जर का आपल्या इथे मालगाडीने बोलायचे झाल्यास नाही होऊ शकणार, ते रिफिलिंग करता डायरेक्ट इथेच जातो,
जे धनदेव स्टेशन आहे जिथे रिफिलिंग होते तिकडे 6,000 पाहिजे पूर्ण डिस्ट्रिक्ट अमरावती शहरात 3,000 शहर 3,000 आणि म्हणजे 5-6 म्हणजे सध्याचा जो स्टॉक आहे आपला आणखी किमान 5 ते 6 दिवस साडेचार हजार आम्ही काल ते असं इन्स्ट्रक्शन दिली होती का ज्याच्याकडे एक सिलेंडर आहे त्यांनाच शक्यतो सप्लाय करावा 2 सिलेंडर जसे लोक आता काय या स्ट्राईकवर कसं लोकांची थोडीशी तारांबळ उडते आणि डिस्ट्रीब्युटर किती आपल्या शहरामध्ये 13 आणि टोटल आपल्या जिल्ह्यात आहे 30 डिस्ट्रीब्युटर आहे शहरामध्ये 14 आहे शहरामध्ये 13-14 आहे आणि जिल्ह्यात 30 आहे। केंद्रीय आम बजट में सोने पर लगाए गए सर्विस टैक्स तथा कस्टम ड्यूटी हटाने की मांग को लेकर देश के सराफा व्यापारियों की पिछले 13 दिनों से हड़ताल जारी है। महानगर में सभी सराफा बंद को व्यापक प्रतिसाद मिला। महानगर के सराफा व्यापारी एसोसिएशन में भी पिछले 13 दिनों से हड़ताल को बैठी है। गुरुवार को सराफा बाजार बंद रहने का 13वां दिन था, जहां सराफा व्यापारी एसोसिएशन के केंद्र सरकार की 13वीं करने जिलाधीश कार्यालय पर जा धमकी। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने हाल ही में पेश किए केंद्रीय आम बजट में सोने पर सर्विस टैक्स तथा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे ग्राहकों पर 2200 रुपए तक प्रति तोला अतिरिक्त बोझा पड़ेगा। सोने पर एक्साइज ड्यूटी लगने से सराफा व्यापारी नष्ट हो सकता है। सराफा व्यापार नष्ट होने से बचाने के लिए तथा सोने पर लगाया सर्विस टैक्स एवं कस्टम ड्यूटी हटाने की मांग को लेकर देश सहित महानगर के सराफा व्यापारियों ने पिछले 13 दिनों से बेमियादी सराफा बंद का आंदोलन किया है। गुरुवार को सराफा व्यापारियों के हड़ताल का 13वां दिन होने से असंख्य सराफा व्यापारी केंद्र सरकार की 13वीं करने जिलाधीश कार्यालय पर जा धमके। इस अवसर पर सराफा व्यापारियों ने सफेद टोपी पहनकर तथा काले झंडे दिखाकर केंद्र सरकार का निषेध किया। इस आंदोलन में सराफा व्यापारी एसोसिएशन मुख्य रूप से उतरा है। इस अवसर पर सराफा कारागिर मंडल, सिंधी स्वर्णकार एसोसिएशन, अमरावती जिला स्वर्णकार कारागिर संघ आदि के पदाधिकारियों सहित जिले के असंख्य सराफा व्यापारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इसी बीच भाजपा के पूर्व विधायक अरुण अरसर ने आंदोलनकारियों से मिलकर केंद्र सरकार का तीव्र शब्दों में निषेध किया। पिछले 13 दिनों से सराफा बंद रहने से देश का सराफा कारोबार ठप हो गया है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले जेवर नगर निवासी एक 32 वर्षीय युवक ने किसी अज्ञात कारण की वजह से साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले जेवर नगर निवासी नरेंद्र ज्ञानेश्वर चौधरी नामक 32 वर्षीय युवक ने किसी अज्ञात कारण की वजह से साड़ी से फांस लगाकर आत्महत्या की।
गुरुवार की सुबह जेवरनगर के एक मंदिर के पास पेड़ पर मृतक नरेंद्र चौधरी फांसी पर लटका हुआ दिखाई देने से परिसर में काफी खलबली मच गई थी। इस मामले में राजापेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए इरविन अस्पताल रवाना किया। इस मामले में राजापेट पुलिस ने मर्ग दाखिल किया है। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले न्यू ग्रेट कैलाश नगर निवासी एक 40 वर्षीय व्यक्ति की कुएं में गिरने से बुधवार की रात मौत हो गई। इस घटना से परिसर में काफी खलबली मच गई। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले न्यू ग्रेट कैलाश नगर निवासी प्रकाश गणपतराव गौले उम्र 40 वर्ष इनकी बुधवार की रात परिसर के कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक प्रकाश गौले कुएं में गिरते ही कुएं के पानी के आवाज से परिसर के नागरिक नींद से जागे। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम गृह रवाना किया। बुधवार की रात हुए इस घटना से परिसर में काफी खलबली मच गई थी। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस आगे की जांच कर रही है। अमरावती मनपा सहित राज्य के 4 महानगर पालिकों में ऑक्ट्राय के स्थान पर LBT लोकल बॉडी टैक्स लागू होगा। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र से ऑक्ट्राय हटा दिया गया है। ऑक्ट्राय की जगह अब स्थानिक संस्था कर LBT लोकल बॉडी टैक्स की वसूली करने का काम अमरावती मनपा प्रशासन को करना होगा। आगामी 1 अप्रैल से यह स्थानिक संस्था कर लागू हो जाएगा। ऑक्ट्राय की जगह है LBT लागू हुए महानगर पालिकाओं में अमरावती, उल्लासनगर, सांगली, मीरज, कुपवाड़ा इन मनपा क्षेत्रों का समावेश है। मनपा क्षेत्र के वैट रजिस्टर्ड व्यापारी, नोंदणीकृत व्यापारी, अनोंदनीकृत व्यापारी, व्यापारी एजेंट, उद्योजक, ट्रांसपोर्टर्स इन सभी को यह स्थानिक संस्था कर लागू होगा। 1 लाख रुपये से कम व्यवहार को LBT की जरूरत नहीं, पर 1 लाख से ज्यादा का व्यापारी टर्नओवर वालों को यह स्थानिक संस्था कर बंधनकारक होगा। शासकीय अनुदान अगर मिलता है तभी ये उपकर वसूली होगी, अन्यथा अमरावती मनपा क्षेत्र में ऑक्ट्राय ही लागू रखने की मांग मंत्रालय स्तर पर की जाएगी। ऐसी जानकारी अमरावती प्रशासन ने दी है। उपकर वसूली से मनपा के आर्थिक उत्पन्न पर बुरा असर होने की बात भी कही जा रही है। समय हो चुका एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। पुलिस आयुक्तालय कार्यालय द्वारा पुलिस विभाग के सभी पुलिस स्टेशनों के वार्षिक अहवाल की जांच पड़ताल मुहिम जारी है। बुधवार को ग्रामीण पुलिस मुख्यालय का मुआयना कर गुरुवार को CP अमितेश कुमार शहर विभाग के सभी पुलिस निरीक्षकों की बैठक बुलाकर वार्षिक अहवाल का जायजा लिया। पुलिस आयुक्तालय कार्यालय द्वारा पुलिस विभाग के सभी पुलिस स्टेशन के वार्षिक अहवाल की जांच पड़ताल मुहिम जारी है। बुधवार को ग्रामीण पुलिस मुख्यालय का मुआयना कर गुरुवार को CP अमितेश कुमार ने शहर के सभी पुलिस थानों के वार्षिक अहवाल का जायजा लिया। स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में आयोजित बैठक में शहर विभाग के सभी पुलिस निरीक्षकों ने CP समक्ष अपने अपने पुलिस थानों का वार्षिक अहवाल प्रस्तुत किया। इस वार्षिक अहवाल में साल भर में दर्ज हुई आपराधिक घटनाएं, आपराधिक घटनाओं का निपटारा, प्रलंबित प्रकरण, पुलिस द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई आदि का समावेश है। शहर के सभी पुलिस थानों के वार्षिक अहवालों का CP अमितेश कुमार ने जायजा लिया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों के पुलिस निरीक्षक प्रमुखता से उपस्थित थे। 31 मार्च को मनपा में होने वाले महासभा के समक्ष स्थायी समिति 446 करोड़ 17 लाख 10 हजार 810 रुपए का बजट रखेगी।
इस बार 3 नए हेड का समावेश किया जाएगा जिसमें महिला को विशेष प्राधान्य दिया जाएगा। अमरावती महानगर पालिकेचा 2012-13 जो अंदाजपत्रक आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर सादर केला तो केला 436,17,10,810 रुपये आणि यामध्ये आपण वाढ केलेली आहे। उत्पन्नाची ही उत्पन्नाची बाजू होती आणि खर्चाची बाजू जी आपल्यासमोर पाठवली होती आयुक्तांनी ती पाठवली होती 380,46,96,810 रुपये। याच्यामध्ये आपण उत्पन्नात एकूण उत्पन्नात 10.10 कोटीनं वाढ केली आहे। एकूण खर्चामध्ये काटकसर केली आहे 7.25 कोटी। विविध योजनेत करण्यात आलेल्या अतिरिक्त तरतूद 17 कोटी। सन्मान्य सदस्यांना वार्ड विकास देणारा आहे आपण 7 लाख म्हणजे सध्या आपण प्रस्तावित केला आहे आमसभेसाठी आणि स्वयच्छा निधी 2 लाख रुपये। या व्यतिरिक्त आता जो आपण पुन्हा महासभेसमोर पाठवणार आहे महत्वाचे निर्णय काही आपण यावेळेला घेतलेले आहे। शहरासाठी चांगले निर्णय यावेळेला स्थायी समितीने घेतले। शहराच्या ज्या निगडीत गरजा आहे त्या यावेळेला विशेषतः स्थायी समितीने लक्षात घेतलेल्या आहे। यामध्ये काही गोष्टी ज्या आहे त्या माननीय माजी आमदार सुलभाताई घोडके यांनी यामध्ये त्यांना स्थायी समितीकडे कळविल्या होत्या। त्याच्यामध्ये महत्वाचा भाग म्हणजे राजापेठ व गोपालनगर येथील रेल्वेच्या ज्या समस्या आहे वाहतुकीच्या त्याच्यासाठी यावेळेला नवीन हेड आम्ही निर्माण केला। राजापेठ व गोपालनगर येथे रेल्वे क्रॉसिंगवर ओव्हरब्रिज करायची आहे तर गोपालनगरचाही तो प्रश्न आहे आणि राजापेठचाही। या संदर्भात अनेकदा सुलभाताईंचा आणि सर्व त्या लोकप्रतिनिधींचा वानखळेंचा पाठपुरा होता। आम्ही त्या एरियात आहे मी आहे मार्डीकर आहे आमच्या इतरही नगरसेवक नगरसेविका आहेत त्यासाठी प्रमुख गोपालनगर व राजापेठचं नवीन हेड यावरच्या अंदाजपत्रकात तुम्हाला दिसेल त्याच्यामध्ये टोकन नियोजन करण्यात आलेले आहे। महिलांसाठी संपूर्ण शहरामध्ये चौकाचौकात फक्त महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छालय निर्माण करण्याची प्रमुख भूमिका यावेळेला स्थायी समितीने घेतली आहे। या व्यतिरिक्त शहराच्या साफसफाईच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये आपण 236 रुपये रोज यावेळेला कॉन्ट्रॅक्टदार म्हणजे आपण खाजगी पद्धतीने जे मजूर लावू त्यांच्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि पूर्ण वेळ कामगार यावेळेला राहील। प्रभाग निहाय साफसफाई राहील म्हणजे जे प्रभाग आता पडलेले आहे त्या एका प्रभागात 30 मजूर हे आपण कॉन्ट्रॅक्टरशिप किंवा कॉन्ट्रॅक्टरच्या किंवा खाजगी पद्धतीने लावू आणि 15 मजूर हे महानगरपालिकेच्या एका प्रभागामध्ये राहतील असे एकूण दोन्ही मिळून एका प्रभागामध्ये 45 साफसफाई कर्मचाऱ्यांची योजना आपण या ठिकाणी तयार केलेली आहे। या व्यतिरिक्त प्रमुख म्हणून मुंबईच्या स्तरावर ज्या पद्धतीनं मुंबई शहर साफ होते त्या पद्धतीने रात्री 12 नंतर अमरावती शहरातले संपूर्ण रस्ते साफ होण्याच्या संदर्भातली नवीन आपण यावेळेला निर्णय घेतलेला आहे की 12 नंतर शहर साफ होईल त्यासाठी तरतूद सुद्धा करण्यात आलेली आहे। कारण की आपण पाहिलं असेल की सकाळी ज्या वेळेला शहरात नागरिक बस न येतात रेल्वेने येतात त्यावेळेला मुख्य रस्त्याचं दायित्व खूप कमी लोकांकडे जाते त्यामुळे आपण साफसफाईसाठी विशेष रात्री 12 नंतर साफसफाईची योजना यावेळेला हाती घेणार आहे आणि 12 नंतर शहर साफ होईल मुंबई पॅटर्नप्रमाणे। या व्यतिरिक्त प्राथमिक शाळेचा दर्जा उंचावा हा नवीन हेड निर्माण केला। एकूण या अर्थसंकल्पात 3 नवीन हेड निर्माण करण्यात आलेले आहे। शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याकरिता मनपातर्फे केलेल्या सोयी सवलती राजापेठ गोपालनगर ओव्हरब्रिज या व्यतिरिक्त गोरगरीब लोकांसाठी आपण पाहिलं तर अनेक दिवसापासून एक समस्या सुरू आहे की बा वैयक्तिक संडास
अनेक ठिकाणी शौचासाठी लोक बाहेर हे करतात आणि वैयक्तिक संडासाठी आपण विविध शासकीय योजनेअंतर्गत न समाविष्ट झालेल्या गरीब नागरिकांकरिता वैयक्तिक शौचालय संडास कंसात शौचालय बांधकाम करण्याकरता प्रोत्साहन पर अनुदान योजना म्हणजे ज्याला वैयक्तिक संडास बांधायचा आहे त्याला अनुदान महानगरपालिका देईल आणि त्याला काही स्वतःचे पैसे टाकावे लागेल काही अनुदान असून पण त्याच्यासाठी काही क्रायटेरिया आखण्यात येईल ती त्या ज्या गोष्टी आहेत ते आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये त्याचे क्रायटेरिया ठरवू परंतु हे हा एक हेड निर्माण करण्यात आलेला आहे म्हणजे राजापेठ गोपाळ टॉकीज रेल्वे क्रॉसिंग विविध शासकीय योजनेअंतर्गत न समाविष्ट झालेल्या गरीब नागरिकांसाठी वैयक्तिक संडास व शौचालय बांधकाम करिता प्रोत्साहनपर योजना शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याकरिता मनापातर्फे केलेल्या सोयी या तीन नवीन हेड यावेळेला स्टँडिंग कमिटीने सुचवलेले आहे. या व्यतिरिक्त ज्या स्थानिक मंडळांना स्पोर्ट्सच्या टुर्नामेंट घ्यायचे आहे त्यांना स्पोर्ट्सच्या टुर्नामेंट घेण्याच्या संदर्भात अनुदान देण्यात येईल तसा हेड आमच्याकडे आहे त्याच्यात तरतूद करण्यात आली. या व्यतिरिक्त शासन निर्णयानुसार या खासगी आणि विशेष पत्रकारांनी या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं कारण की मी स्पोर्ट्सवाला आहे म्हणून मी एक नवीन पॅटर्न हे आणलं आहे की जे पोरं प्राथमिक शाळेमध्ये शिक्षण घेतात त्या मुलांना स्पोर्ट्स क्रीडा त्याच्या स्पर्धा व्हाव्या यासाठी शासनाने अमरावती जिल्हा स्तर निर्माण केलेला महानगर स्तर आणि त्यांच्या स्पर्धा आयोजित करण्याचं दायित्व महानगरपालिकेचं आहे आणि म्हणून त्या लहान पोरांच्या क्रिकेट स्पर्धा व्हाव्या त्या लहान पोरांमधून चांगले खेळाडू निर्माण व्हावे हा दृष्टिकोन ठेवून प्राथमिक शाळेच्या मुलांसाठी त्या शाळा खासगी असो की महानगरपालिकेच्या असो की जिल्हा परिषद आता जिल्हा परिषदच्या आपल्याकडे हँड ओव्हर झाल्या परंतु महानगर क्षेत्रात जेवढ्याही प्राथमिक शाळा आहेत त्यांच्या सर्वांची टुर्नामेंट एका ठिकाणी अरेंज केल्या जाईल त्याचा खर्च महानगरपालिका करेल आणि त्या खर्चासाठी विशेष तरतूद महानगरपालिकेच्या स्पोर्ट्सच्या हेडमध्ये आपण या बजेटमध्ये करून ठेवलेली आहे. म्हणून खेळाचा दर्जा लहान मुलांचा शिक्षणाचा दर्जा गोरगरिबांच्या लहान मुलांचा हा उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून या स्टँडिंग कमिटीने हे प्रयत्न केलेले आहे आणि ते महासभेसमोर आम्ही पाठवणार परंतु या निर्णय हे जे निर्णय आहे हे या बैठकीत आपण घेतण्यात आले तशा तरतुदी आपण केलेल्या आहेत. गढ़चिरौली जिले के धानोरा तहसील के गांव पुस्तला के निकट नक्सलियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग के विस्फोट में सीआरपीएफ के 16 जवान शहीद हुए तथा 28 जवान घायल हुए थे. पिछले 5 वर्ष में इन इलाकों में नक्सलियों का यह 16वां विस्फोट है और अब तक ऐसी घटनाओं में 39 जवान शहीद हुए हैं. गढ़चिरौली जिले की धानोरा तहसील के गांव पुस्तल के निकट नक्सलवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग के विस्फोट में सीआरपीएफ के 16 जवान शहीद हुए तथा 28 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे. पिछले 5 वर्षों में इन इलाकों में नक्सलियों का यहां 12वां विस्फोट है. गढ़चिरौली के हरियाल घने जंगलों में 2007 से नक्सलियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. इन नक्सलियों ने उन्हीं इलाकों में प्रशिक्षण केंद्र निर्माण किया है जहां बंदूक के शस्त्र साठा सुरंग स्पोर्ट आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है. 2008 से इन नक्सलियों ने सुरंग के जरिए बारूदी स्पोर्ट कर जवानों की गाड़ियां उड़ाने का उपद्रवी काम शुरू किया था. इसी श्रृंखला में इन नक्सलियों ने 2008 से 2012 तक 12 स्पोर्ट किए. गढ़चिरौली के पुस्तौल गांव में हुए इस बारूदी सुरंग स्फोट में जख्मी जवानों को मिलने राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल नागपुर के एक अस्पताल पहुंचे जहां नामदार आबा पाटिल ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जवानों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकी की सहायता लेने का इरादा जताया और साथ में यह भी कहा कि अब नक्सलियों से बातचीत बंद कर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा. सामान्य नागरिकों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दाखिल किए गए प्रकरणों का निपटारा अब केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा. इसके लिए हर जिलाधिकारी कार्यालय में एनआईसी सेंटर स्थापित किए गए हैं. सामान्य नागरिकों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दाखिल किए गए प्रकरणों का निपटारा अब केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा.
अगर सामान्य नागरिक केंद्रीय लोकायुक्त से किसी प्रकरण या घटना संबंधी जानकारी चाहते हैं, तो केंद्रीय सूचना आयोग में ऑनलाइन आवेदन देकर केंद्रीय लोकायुक्त हर जिलाधिकारी कार्यालय के NIC सेंटर में नियोजित तारीख तथा समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सूचना देने हेतु रूबरू होंगे। यह सुविधा केंद्रीय सूचना आयोग ने महानगर सहित देश के सभी जिलाधीश कार्यालय के NIC सेंटरों में शुरू कर दी है। ऐसी जानकारी जिला सूचना अधिकारी प्रशिक्षक एडवोकेट राजेंद्र पांडे ने दी। एक सर्वसामान्य नागरिकांसाठी माहितीच्या अधिकारामध्ये आता दिल्लीला जाणे व हिअरिंगसाठी हजर राहणे हे अपेक्षा सरळ सोपा प्रकार झाला आहे। केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तो अपील दाखल जर नागरिकांनी केलं असेल तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या NIC सेंटरला नागरिकाला बोलवलं जातं आणि केंद्रीय माहिती आयुक्त हे स्वतः दिल्लीवरनं डायरेक्ट प्रश्नोत्तर झाली आणि त्या प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न या कायद्याच्या अनुषंगाने व्हायला लागला आहे। ही एक जमीची बाजू आहे आणि आपण आज आलात एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून त्याची माहिती मागण्याचा तो प्रयत्न केला त्याकरता म्हणून केंद्र सरकारने केलेली ही कृती निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे। आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मी सर्व नागरिकांना सूचित करू इच्छितो की केंद्रीय कार्यालयाच्या संदर्भात माहिती मागण्याचा प्रयत्न केला जातो परंतु त्याचा परस्यू केला जात नाही, ते पुढे नेल्या जात नाही, आपण दिल्लीला जाऊ शकणार नाही ही भावना आपल्या मनात असते। परंतु याबाबत आता सतर्कतेने ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी भारत सरकारला सूचना दिल्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्या जिल्ह्यातील नागरिक उपस्थित राहून ही सुनावणी देऊ इच्छितो। त्यातला तशा स्वरूपाचं पत्र प्राप्त होतो, आगाऊ सूचना प्राप्त होते, दिलेल्या वेळी हजर राहणे आणि डायरेक्ट माहिती आयुक्त आणि आपण त्यांच्यामध्ये चर्चा होऊ शकते। त्याकरता म्हणून याकरता आपल्याही चॅनलनी ही जी एक गोष्ट महत्त्वाची जाणून आज इथे आलात मी आपलंही अभिनंदन करतो आणि नागरिकांनाही विनंती करतो की त्यांनी माहितीच्या अधिकारामध्ये केंद्र सरकारकडे जी माहिती मागायची आहे त्याचं परस्यू करणं, ते प्रकरण पुढे नेणं, माहिती आयुक्तांपर्यंत अपील दाखल करणं हे केलं पाहिजे ही एक बाब महत्वपूर्ण आपल्या समक्ष मला मांडायची। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी जनता के जान पर आफत बनकर कहर ठाने सज्ज है। तमाम नियमों को ताक पर रखकर महावितरण कंपनी के कार्यक्षमता और संभाव्य धोखे को उजागर करने की शिकायत एक दक्ष नागरिक ने शहर कोतवाली पुलिस को दी। शहर कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले और शहर के शू टेकड़ी परिसर स्थित माड़ा भवन के कंपाउंड परिसर में जो बिजली का ट्रांसफार्मर और DP लगी है वह जानलेवा साबित हो रही है। इस DP और ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज बिजली दौड़ते रहती है और यहाँ DP एवं ट्रांसफार्मर ऐसी अवस्था में है कि कभी कभी कुछ भी विपरीत घटना घट सकती है। इस तरह ST स्टैंड मार्ग के पोलन 409-8 के जंक्शन बॉक्स का ढक्कन विगत महीनों से लापता हो गया है पर महावितरण कंपनी इस ओर जानबूझकर अनदेखी कर रही है। यहाँ अनदेखी नागरिकों के जानों माल को गंभीर हानि पहुँचा सकती है। कंपनी को बारम्बार सूचित करने पर भी वह सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती, अब पुलिस ही इन्हें सुरक्षात्मक कार्रवाई करने बाध्य करे। इस आशय की शिकायत अशोक भाई जोशी ने पुलिस को दी है। मार्च 2011 के 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में स्कूल के प्रथम स्थान पाने वाले प्रावीण्य प्राप्त छात्रों का सत्कार समारंभ गुरुवार को स्थानीय मनीभाई गुजराती हाई स्कूल में संपन्न हुआ। विद्यार्थी पुरस्कार योजना अंतर्गत जिला परिषद माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूल के मार्च 2011 में 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में स्कूल से प्रथम स्थान पाने वाले प्रावीण्य प्राप्त छात्रों का सत्कार समारंभ गुरुवार को स्थानीय मनीभाई गुजराती हाई स्कूल में संपन्न हुआ। जिला परिषद के शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रावीण्य प्राप्त छात्रों को विद्यार्थी पुरस्कार योजना अंतर्गत मेडल तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी आनंद जगताप, जिला परिषद के शिक्षणाधिकारी सुधाकर अभ्यंकर, DEO गट शिक्षण अधिकारी सहित शिक्षक तथा छात्र प्रमुखता से उपस्थित थे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के लिए माझी समृद्ध शाला यह 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मनपा के हिंदी स्कूल नंबर 11 में जारी है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूल के विकास तथा शिक्षा पद्धति पर तज्ञ मार्गदर्शकों के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जिले के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के लिए माझी समृद्ध शाला यह 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मनपा के हिंदी स्कूल नंबर 11 में जारी है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 400 से अधिक शिक्षकों ने सहभाग लिया। शिक्षा का स्तर बढ़ाने, शिक्षा क्षेत्र में हुए आधुनिक बदलों से शिक्षकों को वाकिफ कराने तथा स्कूल के विकास के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षक विजय सपकार तथा मनपा हिंदी स्कूल के मुख्याध्यापक एन ए करपेकर ने अधिक जानकारी दी। या प्रशिक्षणाचा उद्देश म्हणजे माझी समृद्ध शाळा, या प्रशिक्षणाचा उद्देश म्हणजे यामध्ये 300 मार्कांचं शाळांना गुणांकन दिलेलं आहे। या गुणांकनाच्या आधारे शाळेचा दर्जा ठरविण्यात येतो आणि या गुणांकनाच्या आधारे ज्या शाळा मागर आलेल्या आहे या शाळांना कारवाई अपेक्षित नाही आहे तर त्याची कार्यवाही अपेक्षित आहे, तर कार्यवाही करून त्या शाळांचा गुणांकन देऊन व्यवस्थित दर्जा सुधारण्यासाठी हे प्रशिक्षण घेण्यात येत आहे। तसेच आरटीई ऍक्ट 2009 हे प्रशिक्षण पालकांचे, शिक्षकांचे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, सचिव, मुख्याध्यापक यांचे कार्य काय आहे, कर्तव्य काय आहे, या प्रशिक्षणाद्वारे त्या पालकांपर्यंत त्यांचे कर्तव्य पोहोचवणे हे अपेक्षित आहे। माझी समृद्ध शाळा और आरटीई नियम 2009 का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर शहर के सभी स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण हमारी शाला में दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से चार बातों पर विशेष का ध्यान दिया गया है, शाला की भौतिक और शैक्षणिक सुविधा, एक दूसरा लोगों का समाज का सहभाग और तीसरी है शैक्षणिक बच्चों के लिए संधि उपलब्ध करा देने का। और यह शैक्षणिक जो है उपलब्धता सभी को समानता के रूप में, उसी प्रकार से शैक्षणिक गुणवत्ता कैसे लाया जा सकते हैं इसी पर भर देकर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये सभी शिक्षक तैयार होकर आगे चलकर हम हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, इसमें सभी प्रकार से उपक्रम आ रहे हैं। इसमें मॉडल तैयार करने का, बच्चों के लिए शैक्षणिक साहित्य तैयार करने का, और कितने अच्छे ढंग से अपन कर सकते हैं विद्यार्थियों को तैयार, उनकी समस्याओं पर भी ध्यान देने का है और उनको कितने अच्छे ढंग से अपन ले जा सकते हैं शिक्षण के प्रवाह में, उसका ये प्रशिक्षण यहाँ पर शुरू है। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतर्गत आने वाले कुर्रा पुलिस थाना क्षेत्र में भिवापुर गांव के पास एक तेज गति से दौड़ रहे अल्टो कार ने MH0801 क्रमांक के दुपहिया वाहन को जोरों से टक्कर दे मारी। इस घटना में कुर्रा निवासी शरद राठौड़ तथा नीरज आमले दोनों दुपहिया सवार गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अमरावती के एक निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। कुर्रा गांव के निवासी दोनों दुपहिया सवार कुर्रा से अमरावती के लिए निकले थे कि बीच में ही भिवापुर गांव के पास ये हादसा हुआ। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातों में दिन ब दिन वृद्धि हो रही है। गुरुवार की दोपहर स्थानीय देसाई लेआउट में रहने वाले राहुल मनोहर विंचुरकर के यहाँ 23,000 की सेंधमारी हुई। देसाई लेआउट के निवासी राहुल मनोहर विंचुरकर अपनी पत्नी सहित बाहर गए थे। जब घर वापस लौटे तो उन्हें घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया तथा कमरे की अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने 7,000 की नगद राशि सहित 16,000 के सोने पर हाथ साफ किया। इस मामले में राजापेट पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अब देखते उतार चढ़ाव के बाद कैसा रहा शेयर मार्केट का हाल। मार्च वायदा सीरीज के एक्सपायरी के दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। BSE सेंसेक्स 63 अंक यानी 0.37% की कमजोरी के साथ 17,059 पर रहा। निफ्टी 16 अंक यानी 0.31% की गिरावट के साथ 5,179 पर बंद हुआ। NSE के मंझले सूचकांक CNX मिड कैंप में 0.26% की मजबूती रही। BSE मिड कैंप सूचकांक में 0.16 और BSE स्मॉल कैंप में 0.70% की बढ़त रही। शुक्रवार के बाजार में कैपिटल गुड्स और IT क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों में नकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। कारोबार के पहले ही घंटे में सेंसेक्स 17,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे चला गया। हालांकि शुरुआती कारोबार में बाजार में एक सीमित दायरे में कारोबार होता रहा। सेंसेक्स भी 17,000 के स्तर के ऊपर नीचे होता रहा। दोपहर के कारोबार में बाजार की गिरावट बढ़ गई। इस दौरान सेंसेक्स 16,920 और निफ्टी 5,136 तक नीचे चले गए। हालांकि यूरोपीय शेयर बाजार की कमजोरी शुरुआत की खबरें के बावजूद बाजार की गिरावट में कमी आई। कारोबार के अंतिम घंटे में बाजार
शुक्रवार के कारोबार के निचले स्तर से काफी हद तक संभल गया। सेंसेक्स 17,000 के स्तर के पार चला गया। आखिरकार सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। देखते क्या कहते हैं आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, तो गुरुवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 6% रहा। शुक्रवार को भी शहर के तापमान में कोई खासा बदलाव नहीं देखा जा रहा। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। देखते आज का सुविचार। सबको सम्मान देने वाला व्यक्ति सदा स्वमान में रहता है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिलेंडर के लिए करना होगा हफ्तों इंतजार, जिले भर में वितरण ठप, नहीं मिलेगा सिलेंडर। केंद्र सरकार की 13वीं करने सराफा व्यापारी एसोसिएशन धमकी जिलाधीश कार्यालय। साड़ी से फांसी लगाकर युवक की आत्महत्या। कुएं में गिरने से व्यक्ति की मौत। और महानगर में अब नहीं लगेगा ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय की जगह अब लगेगा एलबीटी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लैंड सकर सात अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2563833। या आप हमसे फेसबुक या ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉगिन कीजिए www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यू ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का डीवीडी प्लेयर विद एलसीडी स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार काउंट फ्री, इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कॉर्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ केवल मात्र 2,999 रुपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रुपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324।